जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, कतिपय राजनीतिक दलों ने राजनीतिक गोटियां सेकना प्रारंभ किया, पर मुख्यमंत्री महोदय ने खुद निजी तौर पर इसकी रिपोर्ट मंगवाई है और उसका एक रोडमैप और एक्शन प्लान बनाकर हिंगोनिया गौशाला, जिसमें पूरे जयपुर के सब जगहों से वृद्ध जो हमारे गाय हैं वो आती हैं, बीमार गायें आती है, मृत्यु बीमारी के कारण हो रही है, वो किस प्रकार ठीक की जा सके उसकी व्यवस्था, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी स्वयं इस एक रोड मैप बना रही है। राजस्थान में हिंगोनिया गौशाला में रोज 300 से ज्यादा गायें मर रही है, 3000 गायें मर चुकी है और गायों की डेथ के लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षक दल जिम्मेदार है, जो सरिये लेकर, तलवारें लेकर राजस्थान की सड़कों पर, देश की सड़कों पर घूमते हैं, जो मरी हुई गायों को उठाकर ले जाते हैं, दलित समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग उनको रोककर अपनी फोटो छपवाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, निक्कर पहनते हैं, केसरिया पट्टी बांधते हैं, वो बहादुर लोग मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। उन बहादुरों में इतना दम है तो किसी मेरे जैसे आदमी को भी मारे, किसी को तो मुझे अच्छा लगे कि भाई उन्होंने किसी ढंग के आदमी के ऊपर अटैक किया, उनको पता चले ताकत का। हम अब गाय नहीं पकड़ने देंगे सरकार को, गाय पकड़ेंगे सड़क पे हम छुड़वा देंगे, बिल्कुल नहीं पकड़ने देंगे। हमारा चैलेंज है पकड़ के बता दे एक गाय, क्योंकि वो गौशाला नहीं है बीजेपी सरकार जिसको चला रही, वो कत्ल खाना है गायों का।